नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं राजेश सोनी आपका स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, इससे पहले वाले मैंने वीडियो जितने भी बनाए उनमें उनके अंदर मैंने आपको बताया है कि ग्रह, नक्षत्र, राशियां ये सब क्या होती है और ग्रह जो है वो किस तरीके से चक्कर लगाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये सारा कुछ समझने के बाद में हमारे दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आता है कि मैं जैसे कोई एक जगह लेता हूँ, जैसे मैं जोधपुर लेता हूँ कोई एक जगह, और अभी समय हुआ है 1:25, तो दिन के 1:25 पे जोधपुर के किसी भी अस्पताल के अंदर किसी बच्चे का जन्म होता है। जन्म हुआ, जन्म होने के बाद में क्या करते हैं कि हम किसी पंडित के पास में जाते हैं कि भैया हम उसको, पंडित पूछता है हमको 3 चीज़ें पूछता है पंडित। सबसे पहला तो किस तारीख को उसका जन्म हुआ, दूसरा पूछता है कि किस समय उसका जन्म हुआ यानी टाइम, और तीसरी चीज़ पूछता है किस जगह पे, प्लेस वो पूछता है। ये तीनों चीज़ें जैसे ही हम उसको बताते हैं तो वह उसका पूरा का पूरा के इसका इस अक्षर से नाम आएगा पूरा अक्षर बता देता है। इसके अलावा वो पूरी उसकी कुंडली अपने सामने रख देता है कि ये इसकी कुंडली है और ये इसका भविष्य है, ये इसका भूत है, वो कुंडली देख करके पूरा पूरा कैलकुलेशन हमारे सामने रख देता है। तो हमारे दिमाग के अंदर क्वेश्चन आता है कि ये सारी चीज़ उसने करी कैसे। तो दोस्तों, यही सारी चीज़ मैं आपको यहाँ समझाने जा रहा हूँ। यह पूरा प्रोसेस समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ ले जाता हूँ। देखिए दोस्तों, पहले वीडियो के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कुल मिलाकर के 12 राशियाँ होती हैं और 12 राशियों के अतिरिक्त 27 नक्षत्र होते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने एक पूरा टेबल आपके सामने रखा है। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा एक ब्रह्मांड बनाया था, उसके अंदर सन रखा था, सन के चारों ओर सारे ग्रह चक्कर लगा रहे थे, उनकी अलग अलग पोजीशंस थी, अलग अलग स्पीड से उसी के अकॉर्डिंग वो चक्कर लगा रहे थे। तो पूरे को हमने 360 डिग्री में डिवाइड किया था पूरा। तो देखिए, ये 12 राशियां हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यहाँ पे मैंने उनकी एंगुलर पोजीशन लिखी है, यानी कि जैसे पूरा ब्रह्मांड था, आप थोड़ा इधर की ओर देखिएगा, ये जैसे ये पूरा ब्रह्मांड था तो इसको मैंने पूरा 12 भाग में डिवाइड किया है कंटिन्यू, यानी 0 डिग्री से 30 डिग्री, मेष राशि 30 से 60 डिग्री, वृष राशि 60 से लगा करके 90 डिग्री तक, मिथुन राशि, इस तरीके से ये मैंने पूरी उनकी एंगुलर पोजीशन लिख दी है यहाँ पे। 0 से 30 डिग्री मेष राशि, 30 डिग्री से 60 डिग्री वृष, 60 से 90 मिथुन, 90 से 120 कर्क, इस तरीके से पूरा 360 डिग्री तक वापस जा करके मीन पे, यहाँ तक मीन ये पूरा एंड हो जाता है। देखो, मैंने प्लेन के अंदर लिया था तो प्लेन के अंदर हम इसको 4 दिशाओं में डिवाइड कर देते हैं। ये दिशा है पूर्व, ये है उत्तर, ये है पश्चिम और ये है दक्षिण। इस तरीके से पूरा ब्रह्मांड हमारा प्लेन के अंदर 4 राशियां और 360 डिग्री में डिवाइड हो गया है। अब देखिए, मैंने आपको ये भी बताया था कि कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र होते हैं। ये 27 नक्षत्र जो होते हैं, अब देखिए क्या होता है, एक राशि के अंदर यह फिक्स किया गया है हमारे ज्योतिषियों द्वारा कि एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आएंगे, एक राशि के अंदर 3 नक्षत्र आएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एक नक्षत्र जो होता है वह 4 चरण में आगे और डिवाइड होता है, एक नक्षत्र 4 चरण में डिवाइड होता है, तो कुल मिलाकर के 108 चरण होते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। तो देखिए क्या होता है कि यह फिक्स होता है कि एक राशि में 3 नक्षत्र और 9 चरण आएंगे, इतना फिक्स किया गया। तो मैं यहाँ पे आपको पहले 27 नक्षत्रों के नाम बता देता हूँ, अश्विनी, भरणी, फिर तीसरा नक्षत्र कृतिका। अब देखिए, मैंने कृतिका को इस तरीके से क्यों लिखा है ये भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले 27 नक्षत्रों के नाम देख लीजिए, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये कुल मिलाकर के 27 नक्षत्र हो गए और एक नक्षत्र में 4 चरण। अब देखिए क्या होता है दोस्तों,
जैसे एक राशि में 3 नक्षत्र और 9 चरण, और एक चरण में हम जानते हैं कि कितने, एक चरण के अंदर, एक नक्षत्र के अंदर 4 चरण होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो हमारे पास में नक्षत्र आया वो आया अश्विनी नक्षत्र। तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण, ठीक है, ये आ गए मेष राशि के अंदर। उसके बाद में मैं बात करता हूँ भरणी। अब भरणी के भी 4 चरण हैं, वो भी मेष राशि में आएंगे। तो कुल मिलाकर के मेष राशि में कितने चरण हो गए, 4 और 4 8। अब तीसरा जो नक्षत्र है वो हमारे पास में आया कृतिका नक्षत्र। अब कृतिका नक्षत्र के भी हमारे पास में 4 चरण हैं, लेकिन हमको रूल्स के अकॉर्डिंग एक राशि में कुल मिलाकर के 9 चरण ही रखने हैं, ठीक है। तो इसी बेस पे कृतिका नक्षत्र का इस राशि में, मेष राशि में, केवल एक ही चरण आएगा, ये एक। और इसके बाकी बचे हुए जो 3 चरण हैं वह चले जाएंगे वृष राशि में, ये आ गए 3, ठीक है। तो ये पूरा काम हुआ। अब देखिए, वापस फिर चरण आया रोहिणी नक्षत्र, आया रोहिणी नक्षत्र। अब रोहिणी नक्षत्र के 4 चरण, तो अब देखिए वृष राशि के अंदर कुल मिला करके 3 और 4 कितने हो गए, 7, टोटल मिला करके 7 चरण आ गए। अब पीछे इसमें केवल 2 ही चरण आ सकते हैं, क्योंकि एक राशि में मैक्सिमम जो चरण है उनकी पोजीशन है 9। तो कुल मिला करके वृष राशि में 3 और 4 7 आ गए। तो अब मृगशिरा के 2 जो चरण हैं वह वृष राशि में, और बाकी पीछे जो बचे हुए 2 चरण हैं वह वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में, ठीक है। अब क्या होगा, दो उसके बाद में नक्षत्र आ गया आर्द्रा नक्षत्र। आर्द्रा नक्षत्र के 4 चरण, अब 4 और 2 मिला करके हो गए 6। अब 6 और मैक्सिमम आ सकते हैं मिथुन राशि के अंदर 9 चरण, तो 4 और 2 6, पीछे बचे 3। तो पुनर्वसु के जो 3 चरण हैं वह आ जाएंगे मिथुन राशि में, और पीछे बचा हुआ जो 1 चरण है वह वापस आ जाएगा कर्क राशि में, ठीक है। अब पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण, इस तरीके से कर्क राशि में टोटल मिलाकर के 9 चरण हो गए, और ये पूरा एक पार्ट कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे 0 डिग्री से लगा करके 120 डिग्री तक, ये टोटल मिलाकर के जितने भी चरण हैं, एक राशि में 9 चरण और एक राशि के अंदर 3 3 नक्षत्रों का जो योग मैंने आपको बताया था वह पूरा कंप्लीट हो जाता। उसके बाद में ये वापस वैसे का वैसे रिपीट होगा पूरा का पूरा, जैसे इसमें वापस 4 फिर 4 फिर 1 3 फिर 4 2 2 फिर 4 3 और 1, इस तरीके से ये पूरा जो प्रोसेस है पूरा हमारा कंप्लीट होगा। 3 1, अब यहीं से देखता हूँ, ये 9 हो गए, 4 और 3 7 और 2 9 हो गए, 4 और 2 6 और 3 9 हो गए, 1 4 और 4, तो ये इस राशि वृश्चिक राशि में 9 हो गए। फिर वापस ये 240 डिग्री, फिर वापस वो का वो रिवाइज हो जाएगा, 4 4 1, फिर ये हो गए 4 4 और 1, इसमें आ गए कुल मिलाकर के 9, फिर इसके बचे 3, वो 3 मकर राशि में चले गए, फिर 3 और इसके हो जाएंगे 4 और इसका हो जाएगा 4 और 3 7 और इसके हो जाएंगे 2, फिर 2 इसमें आ गए, 2 2 और इसके विषा के 4 4 और 2 6 6 और ये हो गए 3। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि में भी 9 हो गए, 9 के बाद वापस 1 4 और 4, ये वापस इसमें हो गए 9। तो इस तरीके से हर राशि में 9 चरण और 3 नक्षत्रों का जो मेल है वह इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब दोस्तों, एक इनकी भी एंगुलर पोजीशन होती है। मैंने आपको बताया था कि एक नक्षत्र जो होता है, एक राशि 30 डिग्री की, और एक नक्षत्र जो होता है वह 13 डिग्री और 20 मिनट का होता है, और एक नक्षत्र के अंदर कुल मिलाकर के 4 चरण होते हैं। तो एक चरण कितने डिग्री का होगा, 3 डिग्री और 20 मिनट का, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, तो उस हिसाब से मैंने पूरी सभी जो नक्षत्र हैं उनकी एंगुलर पोजीशन यहाँ लिख रखी है। देखिए, अश्विनी नक्षत्र है 0 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट, फिर भरणी नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट से स्टार्ट होकर के 26 डिग्री 40 मिनट पे जाकर के एंड होगा, फिर कृतिका नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट से स्टार्ट होकर के 40 डिग्री तक चलेगा। अब देखो, कृतिका नक्षत्र है वो 2 राशियों में आ रहा है, लेकिन उसकी एंगुलर पोजीशन फिक्स है, उसकी एंगुलर पोजीशन इतनी ही होगी।
फिर 40 डिग्री से लगा करके 53 डिग्री 20 मिनट तक रोहिणी, और इस तरीके से इन सभी राशियों की एंगुलर पोजीशन 360 डिग्री पे इन सभी चरणों की एंगुलर पोजीशन रहेगी। इस तरीके से ये पूरे 27 नक्षत्र एंगुलरली रूप से इस तरीके से डिवाइड रहेंगे। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये चार चरण जो होते हैं, ये चार चरण क्या होते हैं, किस तरीके से इनका नामकरण किया होता है। तो देखिए अश्विनी नक्षत्र के जो चार चरण हैं, इनके जो अक्षर है वो है चू चे चोला, यानी पहले चरण में यदि है तो वह उसका नाम होगा चू से, दूसरे चरण में है तो उसका नाम होगा चे से, तीसरे चरण में है तो चो से, चौथे में है तो ला से। इस तरीके से हर नक्षत्र के मैंने चार चार चरण लिखे हैं। अब दोस्तों मैं एक एग्जाम्पल देख करके आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए क्या है, मैंने कहा तीन चीज़ें चाहिए होती है आपको, तीन चीज़ें क्या है, उससे पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखिए क्या है, देखिए ये हमारा क्या है, सन है, और ये है हमारी पृथ्वी। देखिए पृथ्वी क्या है, सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, पूरा एक अपना चक्कर 365 एक वर्ष में कंप्लीट करती है। इसी के साथ साथ पृथ्वी अपनी दूरी पे भी घूमती है, जिससे दिन रात बनते हैं। अब देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी जब अपनी दूरी पे घूमती है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, जैसे मैं इसको, ये दो मैंने जो पढ़े इनको मान लो उत्तर दक्षिण, और ये दो जो पोजीशन है इनको मान लो पूर्व पश्चिम, ठीक है ना। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। अब जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको एक दिन लगता है पूरा, 24 घंटे लगते हैं अपने अक्ष पर घूमने में, उसको 24 घंटे लगते हैं। अब 24 घंटे के अंदर जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमेगी तो वह हम एंगुलर पोजीशन के अनुसार 12 राशियों के दर्शन करेगी। एक दिन में पृथ्वी 12 राशियों के दर्शन करती है जब इस तरीके से अपने अक्ष पर घूमेगी। अब मैं क्या देखता हूँ, क्या माना कि जोधपुर का एग्जाम्पल लिया मैंने, ये जोधपुर की पोजीशन है, जोधपुर की पोजीशन है, इस जगह पर किसी बालक का जन्म हुआ, इस जगह पर किसी बालक का जन्म हुआ, तब इस जगह पर जब बालक का जन्म हुआ उस समय माना कि अर्थ की पोजीशन ये है। अब इस समय अर्थ की जो भी पोजीशन रहेगी उस समय हम ये देखेंगे कि इस अर्थ के चारों ओर जो चंद्रमा चक्कर काट रहा है उस चंद्रमा की पोजीशन क्या है। वह चंद्रमा की पोजीशन ही डिसाइड करेगी सब कुछ। सब कुछ क्या, जैसे मैंने मान लिया कि चंद्रमा जो है वह 182 डिग्री पे है, 182 डिग्री पे है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ आपको बता देता हूँ कि जब अर्थ में जोधपुर में किसी बालक का जन्म हुआ तब चंद्रमा की जो पोजीशन है वह है 182 डिग्री, और कर लेता हूँ 12 मिनट, 182 डिग्री और 12 मिनट उसकी पोजीशन है। अब क्या करेंगे हम, हमारी नाम, हमारा जो नाम है वह चंद्रमा की पोजीशन पर ही डिपेंड करता है। देखिए मैं क्या करूँगा, 182 डिग्री देखूँगा, यानी कि चंद्रमा की पोजीशन 182 डिग्री पे और 12 मिनट पे है तो 182 डिग्री देखूँगा। तो यहाँ से घूम करके मैं देखूँगा पूरा, यहाँ आऊँगा 182 डिग्री। अब देखिए क्या करूँगा मैं, 180 डिग्री से लगा करके 210 डिग्री तक, 180 डिग्री से लगा करके 210 डिग्री तक किस राशि की पोजीशन है, तुला राशि की पोजीशन है, और चंद्रमा की पोजीशन क्या है, 182 डिग्री पे और 12 मिनट में। इसका अर्थ ये हो गया कि जो बच्चा जन्म हुआ उसकी राशि कौन सी होगी, तुला राशि होगी। एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि उसकी राशि जो होगी वह होगी तुला राशि, क्योंकि तुला राशि की जो पोजीशन है वह है 180 डिग्री से 210 डिग्री तक, और चंद्रमा की जो अभी पोजीशन है जिस समय उस बालक का जन्म हुआ उस समय चंद्रमा की जो पोजीशन है अंतरिक्ष के अंदर वह है 182 डिग्री और 12 मिनट, तो उसकी राशि हो गई तुला। अब देखिए क्या है, तुला राशि के अंदर उसका नक्षत्र कौन सा हुआ, यह भी चीज़ हमको देखनी पड़ती है। तो देखिए क्या होता है कि 180 डिग्री, अब देखिए क्या है कि एक नक्षत्र, एक नक्षत्र की कितनी डिग्री होती है, 3 डिग्री और 20 मिनट, यहाँ से हमने निकाला था। तो देखिए जब मैं इसके अंदर 180 डिग्री के अंदर 3 डिग्री और 20 मिनट ऐड करूँगा तब
एक चरण ऐड होगा, उसके बाद में वापस यानी कितना हो जाएगा 180 डिग्री के अंदर मैं यदि 3 डिग्री और 20 मिनट ऐड करूंगा तो 183 डिग्री और 20 मिनट हो जाएगा, लेकिन 182 डिग्री और 12 मिनट ये इससे कम है। इसका अर्थ ये हो गया कि चित्रा नक्षत्र के दो चरण हैं इसमें, यानी कि चित्रा नक्षत्र का पहले यहाँ पे यहाँ से जो तुला राशि के अंदर यदि देखेंगे तो चित्रा नक्षत्र का केवल पहला चरण ही इसके अंदर आ रहा है। चित्रा नक्षत्र का जो तुला राशि में चित्रा नक्षत्र की जो पोजीशन है उसका केवल पहला चरण, यानी कि चित्रा नक्षत्र के दो चरण है तुला राशि में, तो चित्रा नक्षत्र का केवल पहला चरण यानी ये मैं इसको लिख देता हूँ एक और दो, तो इसका केवल पहला चरण ही आ रहा है, यानी कि जो बालक जन्म हुआ है उसका नक्षत्र कौन सा होगा चित्रा नक्षत्र, ये भी डिसाइड हो गया यहाँ से। अब उसका चरण कौन सा हुआ, चरण भी यहीं से डिसाइड हुआ कि एक चरण जो होता है वह 3 डिग्री का होता है, तो उस हिसाब से चरण जो है वो डिसाइड हो गया कि चित्रा नक्षत्र का तुला राशि का पहला चरण, ये जो मैंने लिखा है ध्यान रखना तुला राशि का पहला चरण चित्रा नक्षत्र। अब तुला राशि का पहला चरण अर्थात चित्रा नक्षत्र का तुला राशि का जो पहला चरण है वह पूरे चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण है, यहाँ से हम ध्यान से देखिएगा, यानी चित्रा नक्षत्र के दो चरण और चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण तुला राशि का पहला चरण है, तो कुल मिलाकर के चित्रा नक्षत्र का कौन सा हो गया तीसरा चरण, तो मैं यहाँ पे चित्रा नक्षत्र का तीसरा चरण लिखूंगा। टोटल मिलाकर के यदि नक्षत्र का चरण लिखता हूँ तो तीसरा नक्षत्र लिखूंगा, तीसरा चरण लिखूंगा। अब यहाँ पर मैं यदि चित्रा नक्षत्र के नाम से देखता हूँ तो देखिए पहले चरण में यदि जन्म होता है चित्रा नक्षत्र के तो उसका नाम पे से, दूसरे नक्षत्र में पो से, तीसरे नक्षत्र में र से, तो जो ज्योतिषी है वह निकाल करके दे देगा कि इस बालक का जन्म जो है वो तुला राशि में चित्रा नक्षत्र के तीसरे चरण में आया है, इस कारण से उसके जो नाम का जो पहला अक्षर होगा वह होगा र, अर्थात उसका जो नाम आएगा वह आएगा र से, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको यह पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरीके से नक्षत्र और राशि को देख करके उसका नामकरण और उसके नामकरण का पहला अक्षर निकाला जाता है। अब देखिए नामकरण का पहला अक्षर निकालने तक ठीक है, वो पंडित देख लेता है पूरा, उसके बाद में वह उसकी पूरी एक कुंडली बना करके देता है हमको, और कुंडली यहाँ पे मैंने एक कुंडली बनाई है, देखिएगा आप, इनको मैं रख देता हूँ, यहाँ मैंने एक कुंडली बनाई है, देखिए इसके अंदर मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 12 नंबर अंक लिख रखे हैं। कहीं आपने कुंडलियाँ देखी होगी, कहीं पे कोई कुंडली यहाँ 2 से स्टार्ट होती है, कोई कुंडली 3 से भी स्टार्ट होती है, कोई कुंडली 5 से, ऐसे करके 12 से भी कोई कुंडली स्टार्ट होती है, और इस कुंडली की जो पोजीशन है इस राशि के अकॉर्डिंग, अब देखिए मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन, जिस तरीके से ये इस डायरेक्शन में घूमती है वैसे की वैसे ये कुंडली भी जो है वो इसी डायरेक्शन में चलती है। जैसे यहाँ पर यदि मेष है तो मेष के बाद में वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ और मीन इस तरीके से आएगा। यहाँ पर यदि कोई भी अंक जैसे 5 अंक लिखा है तो 5 अंक की राशि जो हो गई है 1, 2, 3, 4, 5 सिंह राशि, तो सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क इस तरीके से आएगा, अर्थात यहाँ 5 लिखा है तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 9, यहाँ 10, यहाँ 11, यहाँ 12, यहाँ वापस 1, 2, 3 और 4 इस तरीके से ये पूरी प्लानिटरी पोजीशन आएगी, ये राशियों की पोजीशन आएगी। अब देखिए क्या है इसके अंदर जो ग्रह बैठते हैं, अब यहाँ पे एक नंबर लिखने का मेरा कारण क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ। यहाँ मेरा एक नंबर या 2 नंबर या 3 नंबर लिखने का रीजन क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है, मैंने आपको बताया ये हमारी अर्थ है, ये उसके दो एक्सिस है, यह है उत्तर, ये है दक्षिण। अब ये दो मैंने जो पकड़ रखे हैं हाथ से, इनको मानते हैं पूर्व और पश्चिम, ये है उत्तर, ये है उत्तर, ये है दक्षिण, ये होगा पूर्व और ये होगा पश्चिम, यहाँ पूर्व है यहाँ पश्चिम है। अब देखिए यहाँ जोधपुर की पोजीशन है, यहाँ जोधपुर में किसी बालक का जन्म हुआ, ठीक है ना,
चाहे जोधपुर में बालक का जन्म हुआ हो, लेकिन क्या होता है कि उस समय अर्थ की हमारी जो पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग यदि ईस्टर्न ओरिजोन यानी पूरी क्षितिज में यदि मैं देखता हूँ, पूरी क्षितिज यानी ये पूर्व है तो यहाँ से मैं पूरी क्षितिज में देखूँगा, पूरी क्षितिज में जो राशि होती है वही इस जगह पर आती है, उसी को ही लग्न बोला जाता है। मेरा जोधपुर में जन्म हुआ, जोधपुर से मैं ईस्टर्न होरिजोन, अब देखिए ओरिजोन ईस्टर्न ओरिजोन को मैं पूरा यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए हम माउंट आबू या फिर महाबलेश्वरम यहाँ जाते हैं तो हम देखते हैं कि पहाड़ पे चढ़ते हैं तो अर्थ से सूर्य उदय होता हुआ दिखता है, एक पूरी एक फिक्स पोजीशन होती है, वहाँ से सूर्य उदय होता हुआ दिखता है। तो वैसे की वैसे यहाँ यही पोजीशन है, ये जोधपुर की पोजीशन है, जोधपुर की पोजीशन से मैं यदि ईस्टर्न ओरिजोन में देखूँगा तो उस समय सन जो है वो उदय होता है, सूर्य उदय होता है। तो सूर्य उदय होता है तो उस समय जो राशि, उस समय जो राशि ईस्टर्न होरिजोन में पड़ी है वह राशि इस जगह पर आई थी। तो यहाँ मैंने एक नंबर लिखा है, इसका अर्थ ये है कि जिस समय बालक का जन्म हुआ है उस समय पूरी क्षितिज में मेष राशि थी, पूरी क्षितिज में मेष राशि थी और मेष राशि का जो नंबर है वह एक, इसलिए यहाँ पर एक लिखा, उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो इस प्रकार से यह जो घर है इस घर को बोलते हैं लग्न, अर्थात यह जो कुंडली बनी है यह मेष लग्न की कुंडली बनी है। अब इसके अंदर ग्रह किस तरीके से बैठे हैं वह मैं बताता हूँ। देखिए क्या है कि इस कुंडली के अंदर यह है पूर्व, यह है पश्चिम, यह है उत्तर और यह है दक्षिण, इसी तरह यह पूरा हमारा ब्रह्मांड बना हुआ है। अब देखिए क्या होता है, हम यहाँ पर देखते हैं दो नंबर लिखा है, दो नंबर का अर्थ हो गया वृष राशि, अर्थात जिस समय उस बालक का जन्म हुआ उस समय मंगल ग्रह जो है वह वृष राशि में बैठा था। किस राशि में बैठा था? वृष राशि में, यानी मंगल ग्रह की जो पोजिशन थी वो 30 डिग्री से लगा करके 60 डिग्री के बीच में थी, ठीक है। इसी कारण मैंने मंगल को दो नंबर में डाला। इसके बाद में चार नंबर पर मैंने डाला गुरु और केतु, गुरु और केतु यानी चार नंबर, यानी यहाँ से देखूंगा 1, 2, 3 और 4, चौथे नंबर की राशि है कर्क राशि जिसकी पोजीशन है 90 डिग्री से 120 डिग्री, अर्थात 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में गुरु और केतु ग्रह की पोजीशन थी, इसीलिए गुरु और केतु ग्रह यहां बैठे। बुध और शुक्र यह जो है पांचवी राशि अर्थात सिंह राशि के, सूर्य कन्या राशि में बैठा है, चंद्र तुला राशि में और उस समय वृश्चिक राशि में कोई ग्रह था ही नहीं, किसी ग्रह की पोजीशन नहीं थी, और जो धनु राशि है उसमें शनि ग्रह और जो मकर राशि है उसमें राहु ग्रह बैठा है। इस तरीके से यह पूरी प्लानिटरी पोजीशन यानी यहाँ मैं लिख देता हूँ, यानी धनु राशि थी तो यहाँ शनि बैठा था और ये तुला है, यहाँ चंद्र की पोजीशन थी, यहाँ सूर्य की पोजीशन थी, यहाँ कर्क है तो ये गुरु और केतु, और ये जो है वह सिंह राशि है, सिंह राशि में सूर्य भगवान, और यह जो है वो मेष राशि, मेष वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के अंदर जो थे वो मंगल ग्रह, और जो मकर राशि है उसके अंदर राहु ग्रह। तो इस तरीके से पूरी प्लानिटरी पोजीशन थी हमारी, ठीक है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको नॉलेज के लिए बताऊँगा कि राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के सामने ही होंगे, अर्थात यदि यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होगा, यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होगा, यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होगा। इसका भी कारण मैं बताऊँगा, क्योंकि देखिए मैंने ये बताया था यह हमारी अर्थ, ठीक है, ये अर्थ की सन के चारों ओर घूमने की पोजीशन थी, ठीक है, और ये हमारा था चंद्रमा, और ये चंद्रमा जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो सन के चारों ओर जब भी चक्कर लगाएगा तो एक उत्तरी भाग में काटेगा और एक दक्षिणी भाग में काटेगा, जो उत्तरी भाग में काटेगा वो राहु और दक्षिणी भाग में केतु, तो राहु और केतु हमेशा एक दूसरे के ऑपोजिट ही बैठे हैं। इसी कारण कोई भी कुंडली उठा करके देखिएगा राहु और केतु की जो पोजीशन है वह एक दूसरे के ऑपोजिट ही आमने सामने होगी, एक दूसरे के सदैव आमने सामने होंगे, और इसी के साथ यह कुंडली देख करके ही मेरे को पता चल रहा है कि उसकी राशि कौन सी है, क्योंकि देखिए सातवां घर है उसमें चंद्रमा बैठा है और चंद्रमा से ही हमारी राशि तय होती है। तो देखिए
मेष वृष मिथुन कर्क से कन्या और तुला, सातवीं राशि तुला है, तुला राशि में चंद्रमा बैठा है और इस हिसाब से जिस बालक का जन्म उस समय हुआ था, जिस समय प्लैनेट की पोजीशन ये थी, उस बालक की जो राशि है वह है तुला। और मैंने पूरा डिग्री मिनट एंगल से निकाल करके आपको पूरा बता दिया कि उसका क्या नक्षत्र होगा, उसका क्या चरण हो गया और पर्टिकुलरली उसका किस अक्षर से नाम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।